हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के, आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में दिल खोल करके स्वागत है। जुड़े विद्यार्थियों में हार्दिक जी, शुभवर्ण, पूनम जी, रिया जी, तिवारी जी, सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। प्रशांत जी, राम राम जी, रितेश, अशोक जी, राम राम जी, राम राम जी, अश्विनी, ज्योति जी, नमस्ते बेटा, सभी का स्वागत और अभिनंदन, आभार है आज के हमारे इस विशेष सेशन में जहां हम चर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए विशेष सीरीज। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के महाभारत समर में हम चर्चा कर रहे हैं आपके अर्जुन सीरीज को लेकर के, आपके पास कृषि पर्यवेक्षक के उस महासमर में क्या क्या औजार होंगे उन्हीं को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन की शुरुआत करते एक सुंदर से कोटेशन के साथ, लोगों की निंदा से परेशान होकर, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। लोगों का काम है टोकना, लोगों का काम है रोकना, लोगों का काम है आपकी जिंदगी में अपवाद बनकर के निखरना, अपवाद बनकर के आपकी जिंदगी में आना, लेकिन उनसे आपको रुकना नहीं है, उनसे टकरा करके आपको आगे की ओर बढ़ना है। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अभिनंदन सैलविश, नीरू, बॉलीवुड बोस, ज्योति जी, माधवी जी, पूनम जी, एग्रीबाई राजमेवाल, नीरू जी, नेपाल सिंह जी, सभी को नमस्ते, सभी का अभिनंदन और आभार है आज के सेशन में। ठीक है, तो आज के सेशन की मुकेश जी सर कोर्स की सभी क्लासेज, भाई सभी क्लासेज बराबर लग रही है, कौन सी क्लासेज जो है नहीं लग रही? ठीक है, बराबर लग रही है भाई क्लासेज आपके मुकेश जी, एग्रीकल्चर की क्लास लगी रही है, एनिमल हस्बेंड्री की क्लास लगी रही है, बायोलॉजी की लगी रही है, जेट में इन तीनों के अलावा जीके आता नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर की क्लास जिसको कह सकते अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। ठीक है, तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके इस अर्जुन सीरीज का पहला क्वेश्चन है जो आपके इस सेशन में है, और आज हम इस अर्जुन सीरीज का अपना जो है विशेष सेशन जिसको कह सकते हैं आपके पांच नंबर की जो सीरीज है उसको लेकर के चर्चा करें। नमस्ते कृष्ण जी, नागौर बुआई जी, राम राम जी, हार्दिक जी, राम राम जी। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आगे भी पूछा जाएगा। मक्का की फसल में 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देने के लिए कितनी SSP की आवश्यकता होगी? इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले संबंधित फर्टिलाइजर में उपस्थित एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, उसको लेकर के चर्चा करनी है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कोई भी आपकी जिंदगी में आया, जिसने आपकी जिंदगी को निखारने का काम किया, उसके लिए सभी को आपके गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और यहां हम देखते हैं, देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, कितना दिया जाएगा पहली चीज तो ध्यान रखना, प्रयोग की मात्रा, प्रयोग कितना करोगे, प्रयोग की मात्रा डिवाइड बाई उर्वरक में सक्रिय पोषक तत्व, उर्वरक में सक्रिय पोषक तत्व, या इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, और इसके साथ में मल्टीपल करना है 100 से, ये ध्यान रखना है आपको। यहां देखिएगा अगर हम बात करें तो कितना यूज लेंगे, 60, यहां पर क्या है SSP में, आपको ये पता होना चाहिए कि SSP में देखिएगा तीन चीज, SSP में सल्फर 12%, फास्फोरस 16%, कैल्शियम आपके 19.5 होता है। यहां क्या पूछा है इसने, फास्फोरस कितना देना है, तो फास्फोरस कितना है 16% डिवाइड बाई 16 × 100, देखिएगा 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटोगे 50 आएगा, 2 से काटोगे फिर 4 आ जाएगा, 2 से काटोगे 25 आ जाएगा। देखिएगा 4 से गुणा करोगे, डिवाइड करोगे तो 15 × 60, 15 को 25 से गुणा करोगे, 15 × 75 = 75, 7 हो गया कैरी, 15 × 30 और 7 = 37, 375 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपको SSP का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके क्या पूर्ति होगी, 60 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति होगी मक्का के खेत में। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट में भी पूछा जाता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लास्ट एग्जाम में पूछा था, दोबारा पुनः पूछा जा सकता है। यही का यही फॉर्मूला इंसेक्टिसाइड या मैं कहूं कि पेस्टिसाइड्स पर भी लागू हो जाएगा, यह ध्यान रखना आपको।
तो 375 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से आपका राइट आंसर होता है सी इसका, ये ध्यान रखना। रुद्र सिंह जी, साक्षी जी, अटल, पूनम, हार्दिक बेटा, बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है। राम राम परी जी बेटा, राम राम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 375 केजी प्रति हेक्टर। सही सवाल है, ये ध्यान रखना है, हमेशा पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है, बीज में फिजिकल चेंज कब होता है, ये ध्यान रखना है आपको, फिजिकल चेंज ये ध्यान रखना है। प्रयोगशाला सहायक में सिलेबस वही रहेगा, लगभग सुपरवाइजर का, सिलेबस का अलग से वीडियो और उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपको। व्हेन फिजियोलॉजिकल चेंज टेक्स प्लेस इन सीड्स, बीज बुआई के समय, एट द टाइम ऑफ सोइंग, बीज भंडारण के समय, देखिएगा बीज के भंडारण के समय में बीज की फिजिकल शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कोई फिजिकल परिवर्तन नहीं होता है भंडारण के समय, जैसा खेत से निकाला वही का वही आपके क्या रहेगा, भंडारण में रहेगा। नो चेंजेज इन सीड स्टोरेज टाइम, ऑक्सीजन वितरण के समय, एट द टाइम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, बिल्कुल बीज में परिवर्तन नहीं होता है, ऑक्सीजन मिलेगी तो भी वैसा ही रहेगा, नहीं मिलेगी तो भी वैसा ही रहेगा। आपको पता है कि स्टोरेज हाउस में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बुआई एवं भंडारण के समय, एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड स्टोरेज, अगर यहां पर स्टोरेज नहीं होता तो इसका राइट आंसर हम ये कर देते, लेकिन स्टोरेज की वजह से, क्योंकि पीछे भी स्टोरेज नहीं था तो ये हो ही नहीं सकता। यहां पर राइट आंसर बीज की बुआई के समय, देखिएगा बीज की सोइंग के बाद उसके फिजिकल चेंजेज होना शुरू होगा, क्योंकि उसे अब क्या मिलेगा, उसे पानी की मात्रा, पानी जो है वो मिलेगा, उसे ऑक्सीजन मिलेगा, उसे क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी, और इसकी वजह से उसमें क्या शुरू हो जाएगा, अब जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, और यहीं से आपके बीज की शेप में फिजिकल चेंजेज होना शुरू हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, बीज की बुआई के समय, एट द टाइम ऑफ सोइंग, आपके बीजों में फिजिकल चेंजेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोर्स बेटा काय का देखेगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कोर्स उत्कर्ष के ऐप पर उपलब्ध है, आपको उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना है। कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स जयपुर से लाइव चल रहा है उसको अटेंड करना है, या जोधपुर से जो लाइव चल रहा है उसको अटेंड करना है, दोनों उपलब्ध है। आपके रिकॉर्डेड कोर्स भी आपके पास सुपरवाइजर का उपलब्ध है, आप वो लेना चाहे वो ले सकते हैं। इसी प्रकार जेट फाउंडेशन 2024 का कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। अतुल जी, अगर कोई समस्या आ रही है तो आपके 9829 9829 213 213 पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कृष्ण जी, आपकी समस्या का भी यही सवाल का सही आंसर है, यही जवाब है, ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो, यहां पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, ये ध्यान रखना है। श्वास रोग का कारक निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार है, आपको यह बताना है। श्वास संबंधित जो है आपका, जिसको कह सकते हैं, आपको यह बताना है कि श्वास रोग का कारक निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार है। एक यहां पर वीड है, यह ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज द कोज ऑफ रेस्पायरेटरी डिजीज, ध्यान रखना, रेस्पायरेटरी डिजीज को प्रभावित करेगा, श्वसन को प्रभावित करेगा। हिरणखुरी जो होता है आपका, एनागेलिस, आपको जो है कॉर्नवॉलवुलस आर्वेंसिस, आपके कर्सन नील, एनागेलिस आर्वेंसिस, दोनों आर्वेंसिस से है। बतवा चिनोपोडियम एल्बम, देखिएगा गजरी, इस गजरी को ध्यान रखना, फ्यूमेट्री कहा जाता है गजरी को, क्या कहते हैं इसको, फ्यूमेट्री कहते हैं, ये ध्यान रखना, फ्यूमेट्री कहा जाता है इसे। अगर इसका बोटनिकल नाम आप देखेंगे तो इसका बोटनिकल नाम फ्यूमेरिया पल्वी फ्लेरा होता है, ये ध्यान रखना, इसका बोटनिकल नाम क्या होता है, इसका बोटनिकल नाम फ्यूमेरिया, फ्यूमेरिया से इसकी फैमिली, फ्यूमेरिया से फैमिली आएगा, ध्यान रखना। पल्वी फ्लेरा इसका क्या है आपके, ध्यान रखना, पल्वी फ्लेरा, तो ये ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो आपके फ्यूमेरिया पल्वी फ्लेरा इसका क्या है, बोटनिकल नाम है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहां देखिएगा ये कौन सी फैमिली के, फ्यूमेरेसी फैमिली की, फ्यूमेरेसी फैमिली की सदस्य है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्थेनियम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो गाजर घास, लुक लाइक गाजर घास जैसा ही है, दूब घास ऑप्शन में नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके भतुआ नहीं है, कर्सन नील नहीं है, हिरणखुरी नहीं है, ध्यान रखना, हिरणखुरी आपका
बहुवर्षीय खरपतवार है, ये ध्यान रखना आपको। अगर गजरी की बात करें, फ्यूमेट्री की बात करें, तो फ्यूमेट्री फ्यूमेरिया पल्विफ्लेरा फ्यूमेरेसी फैमिली का है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, ये ध्यान रखना, चौड़ी पत्ती वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो लोग कुछ कह रहे हैं आपके, जिसको कह सकते हैं सर ये आपका नंबर है, बेटा मेरा नंबर नहीं, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, ये तो 9829213213 उत्कर्ष का हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपके यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्टली जिसको कह सकते हैं आपके गजरी से फ्यूमेट्री कहा जा सकता है, प्रोनंसिएशन आपका अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे कई बार इसमें गजरा लिखा हुआ आ जाता है और कई बार गजरी, अमूमन जो आता है लिखा हुआ गजरी ही वर्ड आता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर आपका, इसका सही आंसर क्या है, ए है, ये ध्यान रखना आपको। हिरणखुरी बहुवर्षीय वीड है, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, गजरी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ, जो आपके सत्यानाशी जो आप कह रहे हो वो एलर्जी वगैरह आपके करती है, ये ध्यान रखना, एलर्जी वगैरह, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। हो गया, अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो चलें आगे, ठीक है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, आपके फिजियोलॉजिकल का भी मतलब भौतिक होता है, फिजिकल का मतलब भी भौतिक होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सूची एक को सूची दो के साथ क्या करना है, मिलान करना है आपको। वीर सिंह जी, आप जयपुर का ऑफलाइन बैच अभी शुरू हुआ है, 2-3-4 दिन ही हुए, आप एडमिशन ले सकते हैं, अभी कोर्सेज जिसको कह सकते हैं एडमिशन चल ही रहे हैं, तो एडमिशन ले सकते हैं जयपुर के ऑफलाइन में, ठीक है। यहां देखिएगा, बेंगलुरु विधि एक कोई मेथड है, कैचुए की कोई प्रजाति बतानी है, राइजोबियम ट्राइफोलाई कोई आपके राइजोबियम से संबंधित सीड ट्रीटमेंट में काम में आता है, और जैविक ऑर्गेनिक मल्च है। देखिएगा, बरसी में एक दलहनी फसल है और दलहनी फसल होने के कारण इसका सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, आपके ध्यान रखना, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इसका बोटनिकल नाम होता है, इसी से आ जाएगा राइजोबियम ट्राइफोलाई, ये ध्यान रखना, तो राइजोबियम ट्राइफोलाई इसका हो जाएगा। देखिएगा, पेडी क्रॉप धान की जो फसल होती है वहां आपको ध्यान रखना कि आपके क्या देखने को मिलेगा, धान की फसल के लिए कंपोस्टिंग और आइसिनेफोइटिडा, आइसिनेफोइटिडा क्या है आपके पास, तो आइसिनेफोइटिडा एक केंचुए की प्रजाति है। जैविक मल्च, आपके जो जैविक मल्च, अब आंसर तो आप यहीं से दे सकते हैं, बी में चार, देखो यहां पर दो तो कट जाएंगे, यहां पर सी में देखो आपके पास एक है, ये रहा सी में एक, यहां गलत हो गया और बच गया ए बेंगलुरु विधि, आपके क्या है कंपोस्टिंग का एक मेथड है, जैविक पलचार आपके पलवार में मल्च के रूप में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, राइस की जो स्ट्रा होती है उसका प्रयोग खेत में किस रूप में कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है, तो यह ध्यान रखना। बेंगलुरु विधि, बेंगलुरु विधि आपके कंपोस्टिंग तैयार करने की विधि है, इंडोर विधि बेंगलुरु विधि ये आपके इसमें तैयार होती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर कंपोस्टिंग, कैचुए की प्रजाति स्पेसीज ऑफ अर्थवर्म, तो आइसिनेफोइटिडा आपके राजस्थान और भारत में जिसको कह सकते हैं क्या होता है, जिसको कहा जाए तो कैचुए की एक विशिष्ट प्रजाति है, राम राम रविंद्र जी, राम राम। राइजोबियम ट्राइफोलाई एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, जो कि सहजीवी जीवाणु है, ये ध्यान रखना, क्या है सहजीवी, ये ध्यान रखना। और बिल्कुल आपके यहां पर पेडी की फसल जो होती है इसका एक्स्ट्रा विशेष रूप से काम में ले लिया जाता है जैविक मल्च के रूप में, तो राइट आंसर इसका क्या है, सी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सर आपसे बात बिल्कुल बात हो जाएगी उत्कर्ष के हेल्पलाइन नंबर से, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो ये रहा, कागज पेपर बनाया जाता है, पेपर इज मेड फ्रॉम, इनमें से किसका प्रयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है, आपको यह देखना है, ठीक है। तो बताइएगा किसका प्रयोग कागज आपके बनाने के लिए किया जाता है, अरहर तो यह तो दाल है, सनई सन हेम्प, बाजरे से यह आपके मिलेट्स में आती है, अलसी अलसी का रेसा लिनसिड जो होती है लाइनम यूसीटेटम, जिसमें आपको क्या नजर आता है इसका रेसा जो होता है, अलसी का जो रेसा होता है इस रेसे को हम कहते हैं फ्लेक्स, और इस फ्लेक्स का विशेष रूप से आपके प्रयोग होता है, जैसे आपने सुना होगा एक लीलण, ध्यान रखना लीलण जो है आपके दो रूप में जानी जाती है, लीलण एक आपके क्या है तेजाजी महाराज की क्या है, जिसको कह सकते हैं
वाहन है वहां का, यह ध्यान रखना, तेजाजी महाराज से इसका संबंध है। दूसरा आपके क्या होता है, ये लीलन जिसको कह सकते हैं, अलसी के रेशे से तैयार कपड़ा है, ध्यान रखना, अलसी के रेशे से तैयार कपड़ा है लीलन, जो कि विशिष्ट क्वालिटी को दर्शाता है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर कागज बनाने के लिए इसी अलसी का प्रयोग किया जाता है, इसके फाइबर का प्रयोग कागज इंडस्ट्री में भी किया जाता है, यह ध्यान रखना आपको, किसमें, कागज इंडस्ट्री में। सनई सनहेम्प जो है आपके, इसका प्रयोग विशिष्ट रूप से मुद्रा बनाने में किया जाता है, यह ध्यान रखना, ठीक है, मुद्रा बनाने में किया जाता है, यह ध्यान रखना। नोट जो आपके होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यह ध्यान रखना आपको। बिल्कुल सनई का प्रयोग, किसी ने कहा है कि सर हरी खाद के लिए, बिल्कुल क्रोटोलेरिया जूनसिया कहा जाता है, और बिल्कुल हरी खाद के रूप में इसका प्यारे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल प्रिया जी बेटा, टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर अलसी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल बेटा हीनू जी राइट है, उमेश जी, सुमन, साक्षी जी, सरिता जी, बेटा बिल्कुल सही आंसर है, महेंद्र जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेंजीफेरा इंडिका की वह कौन सी प्रजाति है जो साल में दो बार फल देती है, ये ध्यान रखना, मेंजीफेरा इंडिका की आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, विच इज द स्पेसीज ऑफ मैंगो विच बियर्स फ्रूट ट्वाइस ए ईयर, दशहरी, ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया की वेराइटी है, ध्यान रखना, एकांतर फलन पाया जाता है, नीलम, लंगड़ा जिसको कह सकते हैं, आम की वह वैरायटी जिसमें मैक्सिमम बायोसेक्सुअल फ्लोवर पाए जाते हैं, लंगड़ा क्या पाए जाते हैं इसमें, मैक्सिमम, ध्यान रखना, इसमें मैक्सिमम बायोसेक्सुअल फ्लोवर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, और मिनिमम फ्रूटिंग होती है इसमें, ध्यान रखना, क्या होती है, मिनिमम फ्रूटिंग होती है, ये ध्यान रखना आपको, मिनिमम फ्रूटिंग होती है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, इसके पास मैक्सिमम बायोसेक्सुअल फ्लोवर आम की कौन सी वैरायटी में पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम बायोसेक्सुअल फ्लोवर जो है वो पाए जाते हैं आपके लंगड़ा वैरायटी में, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आम की वह कौन सी वैरायटी है जिसमें सबसे कम फ्लोवर फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, वो भी लंगड़ा ही है, तो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं होना, ये गलत है। चौसा, चौसा आपको ध्यान रखना, आम की सबसे मीठी किस्म है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर नीलम क्या है, तो नीलम आम की एक वह वैरायटी है जो आपके क्या होती है, एकांतर फलन से मुक्त है, ये ध्यान रखना, यानी कि अल्टरनेट फ्रूट बियरिंग की समस्या इसमें नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, दोहरा फलन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे, ये जरूर लिख लेना आपके यहां पर, लंगड़ा फूल सबसे ज्यादा आते हैं, फूल सबसे ज्यादा, और ध्यान रखना फल सबसे कम बनते हैं, फल सबसे कम, कारण फूलों के झड़ने की समस्या, फूलों को, फूलों के झड़ने की समस्या। और यहां पर बात आ गई झड़ने की, तो लिख लीजिएगा, ड्रॉपिंग को रोकने के लिए आम में विशेष रूप से 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है, 10 से लेकर के 20 ppm मात्रा, बेस्ट आपके ऑक्सिन हार्मोन है, ये ध्यान रखना आपको। राम राम ऑफिसर पंडित जी, राम राम, बिल्कुल ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, नीलम, ठीक है। क्लास भाई अगर अच्छी लगे तो जरूर क्लास को शेयर करें। फ्रूटिंग बिल्कुल 0.1% के आसपास, योगेश जी, सिकवार जी, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। चले आगे आ जाओ, मार्केट में इस समय आपके जिसको कह सकते हैं अब शुरू हो गए चौसा और दशहरी आम, ये ध्यान रखना आपको, बिल्कुल सही है नेपाल सिंह जी, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, 1970 क्वेश्चन देखिएगा, 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया, नॉर्मन ई बोरलॉग हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1977। देखिएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नागरिक है, इनकी क्या है तो नागरिकता, और इनकी कर्म भूमि कहाँ रही है, इनकी कर्म भूमि रही है मैक्सिको में, और मैक्सिको में इन्होंने ये कार्य किया है। इन्होंने आपके नोरिन 10 का मैक्सिमम इस्तेमाल इन्होंने ही किया था, ये ध्यान रखना है आपके। इन्हें कहा जाता है हरित क्रांति का जनक कहते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का जनक, और एकमात्र
आज तक के इतिहास के एकमात्र व्यक्ति, ठीक है, तो ध्यान रखना, एकमात्र कृषि विशेषज्ञ, एकमात्र कृषि विशेषज्ञ जिन्हें जिन्हें 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स के लिए नहीं दिया गया, औषधि विज्ञान के लिए भी नहीं दिया गया, इकोनॉमिक्स के लिए भी नहीं दिया गया। शांति के क्षेत्र में आपके एग्रीकल्चर का कोई भी व्यक्ति जिसे आज तक के इतिहास में अगर दिया गया कोई नोबेल पुरस्कार तो यही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ, यहीं पर आप लिख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहे तो, पहला वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और आपके लिए पेंडिंग क्वेश्चन है, आपके लिए बताना है कि 2023 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया था, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको। हरेंद्र जी करो सुपरवाइजर की तैयारी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो 2023 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा आंसर, नहीं तो फिर अपन चर्चा करते ही हैं। क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो ये रहा, बैंगन में लिटिल लीप रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है, ये तो आपको पता है 1987 में दिया गया था उनको, तो 2023 का बता दो आप, तो किसको दिया गया, लिटिल लीप डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड, तो कोज क्या है इसका, कारण, तो कारण तो भाई माइकोप्लाज्मा है, जिसको फाइटोप्लाज्मा भी कह देते हैं, माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा कह सकते हो। आ जाओ, आपके रतनलाल जी को मिला था आपके 23, 22, 20 में मिला था आपको उनको, तो फ्लाई, लीप होपर, सफेद मक्खी और बीज। ध्यान रखना, बैंगन में जो होता है, बैंगन में होने वाला, अश्विनी जी बिल्कुल सही है, आज ही बताया था आपको क्लास में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, लीप होपर बी इसका राइट आंसर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, राम राम महेश जी, राम राम, ठीक है। एल्यूकून, ठीक है, आपको ध्यान रखना, कून जो है उनको दिया गया आपके, वो बी सही है, लीप होपर। गन्ने की परिपक्वता का पता हाथ से चलाए जाने वाले रिफ्रेक्टोमीटर से किया जा सकता है जब इस यंत्र की रीडिंग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बताना है आपको। तो मैच्योरिटी इन सुगर कैन बी इजीली बी डिटरमाइंड बाय हैंड रिफ्रेक्टोमीटर व्हेन इट्स रीडिंग। अरे बेटा, हार्डनेस नींबू वर्गीय फलों में बताया ना, बोरोन की कमी से हार्डनेस आता है। हैदी कून बिल्कुल वही है आपके, हैदी कून जो आपके आज ही क्लास में लिखाया था मैंने, जेट वाले कोर्स में लिखवाया था भाई, जेट का जो कोर्स अपना चल रहा था, हैदी कून आपको लिखवाया था मैंने। तो देखिएगा, 10 से 15, 17 से 18, 20 से 22 या 22 से अधिक, तो रिफ्रेक्टोमीटर के माध्यम से क्या पता लगाया जाता है, रिफ्रेक्टोमीटर के माध्यम से TSS को फाइंड आउट किया जाता है। रिफ्रेक्टोमीटर से क्या फाइंड आउट करते हैं, रिफ्रेक्टोमीटर से टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर रिफ्रेक्टोमीटर में रीडिंग आपके जिसको कह सकते हैं 17-18 है, 16 से 18 है, 15 से 18 है, तो आपके वहां दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये राइट आंसर इसका बी, बी इसका राइट आंसर है आपके। रिफ्रेक्टोमीटर किसको बताता है, TSS के बारे में बताता है, ये ध्यान रखना आपको, बिल्कुल सही है काजल जी, आपका राइट आंसर है। देखिएगा, तिलन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी है, इनमें से कौन सी स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा, अरे बिल्कुल हरिओम जी, आज की उसमें बताया था ऑनलाइन क्लास जेट में, हैदी कून, हे आदा ये दी, हैदी कून, KOHNN, हैदी कून, ये वाला हैदी कून,
गूगल बाबा से इतनी देर तक तो सर्च कर ही लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू वार्ड्स इनहेंसिंग ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन। आइसोपोम, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल पोम, ऑयल सीड और मेज। ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड पल्सेज, ध्यान रखना ऑयल सीड पल्सेज एंड ऑयल पोम और मेज, ये ध्यान रखना आपको, ध्यान रखना इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड पल्सेज ऑयल पोम और मेज, ये ध्यान रखना यहां पर, यहां ध्यान रखना इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड पल्सेज एंड ऑयल पॉम एंड मेज। तो यह स्कीम भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ए राइट है। TBOS, यह भी ऑयल सीड से जुड़ी हुई विशेष आपके स्कीम है केंद्र सरकार की, ये बाद में मर्ज होकर के आपके किस में हो गई, एनमूप, नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम, ठीक है ध्यान रखना। तो इसका नाम आजकल क्या है, नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम, ये ध्यान रखना 2014-15 में NATIONAL, नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम, ये ध्यान रखना है इसका वर्तमान में नाम है। उपरोक्त सभी स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा आपके जिसको कह सकते हैं ऑयल की मात, आपके जो तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ये ध्यान रखना तिलहन उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है जिसको कहा जाता है आपके पीली क्रांति, क्या कहते हैं, येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है, पीली क्रांति, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सैम पित्रोदा साहब का संबंध इसके साथ है, ये ध्यान रखना, कौन है, तो सैम पित्रोदा साहब के साथ इसका संबंध है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये ध्यान रखना सारी की सारी स्कीम्स केंद्र सरकार के द्वारा चली गई वर्तमान में आपके NMOOP जो आपके है स्कीम, नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम, ये ध्यान रखना आपका, बिल्कुल पीली क्रांति, रविंद्र जी सही है आपका, सैम पित्रोदा साहब सही आंसर है, तो डी इसका सही आंसर है यहां पर, ठीक है डी राइट आंसर है, बिल्कुल मोनू जी बेटा राइट आंसर है। अगला देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा टमाटर की फसल में कमी होती है, नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। हाँ सतीश जी ने पूछा सर पर मिलेट रिसर्च सेंटर राजस्थान में कहाँ स्थित है, देखिएगा भाई बाजरा अनुसंधान केंद्र के लिए बाड़मेर के गुढ़ा मलाणी में प्रस्तावित है, पहले प्रस्तावित था, अब वर्तमान में जमीन मिल चुकी है उसे, लेकिन कार्य अभी करना शुरू नहीं किया है। सतीश जी आपके सवाल का आंसर, अब यहाँ आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कोज रिडक्शन इन टोमेटो क्रॉप, यानी कि इनमें से कौन कौन से ऐसे कारक है जो टमाटर के उत्पादन को गिराता है, यानी कि जिसकी वजह से टमाटर का उत्पादन कम होगा, ये ध्यान रखना है आपको। देख लेते हैं कौन कौन से है आपके, वायुमंडल का तापमान 40 डिग्री से अधिक होने पर ताप आपके टमाटर की फसल में फ्लोवरिंग रुक जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, तो सही है ये वाला सत्य कथन है, टमाटर के उत्पादन को कम करता है, वायुमंडल का तापक्रम 16 से कम होने पर आपके फ्लोवरिंग जो होती है कम होगी। फिर देखिएगा लॉन्ग लैंप, यहां पर क्या है जिसको कह सकते हैं लॉन्ग लैंप, देखो चाहे लॉन्ग लैंप और चाहे शॉर्ट और चाहे डे न्यूट्रल, प्लांट कैसा है, ये डे न्यूट्रल है, ध्यान रखना प्लांट कैसा है, डे न्यूट्रल है। अब आप ये बताओ जब प्लांट डे न्यूट्रल है टमाटर, तो ये बताओ इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या लॉन्ग लैंप का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रकाशावधि शॉर्ट डे की हो चाहे लॉन्ग डे की हो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आपका क्या हो गया, इसके उत्पादन को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, तो इसको तो छोड़ दो। फसल पर पूर्ण कुंचन रोग का प्रकोप, बिल्कुल इसमें आपके लीप कर्ल वायरस आपको देखने को मिलता है, क्या होता है लीप कर्ल वायरस देखने को मिलेगा, अब ये बताओ तो ये क्या करेगा, उत्पादन में कमी करेगा,
ये भी उत्पादन में कमी करेगा और ये भी उत्पादन में कमी करेगा, लेकिन इसका कोई उत्पादन के साथ संबंध नहीं है। चाहे प्लांट प्रकाशा अवधि चाहे 24 घंटे रात हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24 घंटे दिन हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, 1, 2 और 4। 1, 2, 3 गलत है, 1, 3, 3 नहीं है इसमें, यह भी गलत है, 1, 2, 4। तो सी जिसने आंसर दिया है बिल्कुल उसका परफेक्ट और शानदार और जानदार जवाब है, ये ध्यान रखना। राम राम हरीश जी, खुश रहो भाई, ठीक है। तो हो गया बिल्कुल डॉक्टर पिंकी जी, बिल्कुल परफेक्ट जवाब बेटा आपका, सी आंसर दिया एपी जी, बिल्कुल ठीक है। अश्विनी जी सी सही है, साक्षी जी बेटा, इंदु जी बिल्कुल, अनिता जी बेटा सही आंसर है आपका। अरे भाई कौन से ऐप पर क्लास नहीं आ रही, सारे ऐप पर क्लास चल रही है, कौन से पर नहीं आई। रोहित जी कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, चलो भाई समझाने के लिए ही है हम यहाँ पर, आप और हम, चलो समझ लो इसे, क्वेश्चन को एक बार इरेज कर देते हैं भाई, अपने एक साथी को नहीं समझ में आया, समझ में आना जरूरी है। देखो निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा टमाटर की फसल में कमी है, टमाटर की फसल में कमी का मतलब होता है कि टमाटर की फसल का उत्पादन कम कौन कौन से कारकों की वजह से होगा, इनमें से कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो टमाटर की फसल के उत्पादन को कम करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। देखो वायुमंडल का तापमान बेटा अगर 40 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं होती है टमाटर में, तो ये क्या करेगा, जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो उत्पादन कहां से होगा, टमाटर की फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, राइट बात है। ये सही कथन पूछ रहा, सही उत्तर चुनना है। वायुमंडल का तापमान अगर 16 डिग्री से कम हो गया तो भी क्या होगा, आपके तापमान कम होने की वजह से भी फ्लावरिंग पर आपके नेगेटिव इंपैक्ट होगा, राइट है। देखो यहां पर लिखा हुआ दीर्घ दीप्ति काल, देखो प्रकाशा अवधि जो होती है किसी भी प्लांट का लाइट के कंपेरिजन में या लाइट के साथ जो कार्य किया जाता है उसके प्रति जो अनुक्रिया की जाती है उसको कहते हैं प्रकाश प्रदीप्ति कालिता, फोटोप्रोडिज्म आपके कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, प्रकाश प्रदीप्ति कालिता कहते हैं उसे, प्रकाश प्रदीप्ति कालिता कह देते हैं, ये ध्यान रखना आपको। टमाटर एक कैसा पौधा है, टमाटर जो पौधा है बेटा वो है डे न्यूट्रल प्लांट, टमाटर कैसा पौधा है, डे न्यूट्रल प्लांट है। अब देखो डे न्यूट्रल प्लांट है तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको, चाहे लॉन्ग डे हो और चाहे शॉर्ट डे हो, यानी कि इसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल पर पूर्ण कुंचन, बिल्कुल टमाटर में लीफ कर्ल होता है भाई, टमाटर में पूर्ण कुंचन रोग होता है, किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, और इसका ट्रांसपोर्ट कौन बनता है, इसका वाहक कौन बनता है आपको पता हो तो सफेद मक्खी बनती है, ठीक है। तो अब बताओ सही बात कौन सी, ये सही बात है, ये भी सही बात है, ये गलत बात है, ये सही, सही सही बात का चुनाव कर लो, 1, 2, 4। तो बेटा कर्ण जी ये आपका सही है, उस महाभारत समर में कर्ण के रूप में आपको कृषि पर्यवेक्षक का सही जवाब सी देना होगा, ये ध्यान रखना, बिल्कुल टोमेटो और ब्रिंजल मिर्च बिल्कुल सही है भाई आपका डॉक्टर राजेंद्र जी, ठीक है, तीनों के तीनों न्यूट्रल है। तो समझ गए भाई, अगर समझ गए और क्लास अच्छी लगे तो आप अपने जो भी एग्रीकल्चर के जिस जिस जगह पे आप जुड़े हुए हैं उनमें क्लास को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करें। क्लास अच्छी लगे तो आपके पास एक ऐसा वाला निशान है, क्लास अगर अच्छी नहीं लगे तो उसके पड़ोस में एक उसका पड़ोसी है वो भी नीचे की तरफ, एक ऊपर है एक ऐसे नीचे की तरफ है, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो, अच्छी लगे तो ऊपर वाला, नहीं अच्छी लगे तो नीचे वाला, दोनों ऑप्शन उपलब्ध है आपके पास, आ जाओ यहाँ पर। सतीश जी पूछ रहे हैं परमिलेट रिसर्च सेंटर राजस्थान में कहाँ है, मेरे प्यारे पहले बताया दोबारा भी यही आंसर दूंगा कि राजस्थान के बाढ़ आपके राजस्थान का जो गुढ़ा मलानी क्षेत्र है वहां पर उसको जमीन अलॉट हो चुकी है, अब वो कब से काम करना शुरू करेगा वो तो आपके भविष्य के गर्त में छिपी हुई बात है, फिलहाल प्रस्तावित है, आप 10 बार पूछोगे 10 बार भी यही आंसर होगा, ठीक है आ जाओ। ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं, देखिएगा ऐसे कोई पेड़ है ये वाले, इनके बीच में कुछ खेती करना एक प्रकार से, इससे क्या हो जाए खाली पड़ी जगह का इस्तेमाल हो जाए, सोइल की उर्वरता बढ़ जाए और उत्पादकता बढ़ जाए, दो टर्म यहां पर इस्तेमाल हुए हैं, एक टर्म कौन सा है, एक टर्म है आपके पास उर्वरता फर्टिलिटी, देखिएगा बेटा फर्टिलिटी का मतलब होता है, मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में आ जाए इसका मतलब,
जीएल सर की ये फर्टिलिटी है। और ध्यान रखना फर्टिलिटी का संबंध सोइल से कैसे होता है, कि फर्टिलिटी का तात्पर्य कोई भी मृदा अगर पौधों को जितना पोषक तत्व चाहिए उसे अगर वो उपलब्ध करवा देती है, जिस रूप में चाहिए वो उपलब्ध करवा देती है, जब चाहिए उपलब्ध करा देती है, दैट मीन्स सोइल फर्टाइल है। उत्पादकता को हमेशा प्रति हेक्टर की उपज में मापा जाता है या उसको मापा जाता है गांधी जी में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको उत्पादकता को, ठीक है। ये ध्यान रखना, यह कोई जरूरी या अनिवार्य नहीं है कि उर्वर मृदा उत्पादक होगी, लेकिन यह अनिवार्य है उत्पादक सोइल ऑलवेज इज फर्टाइल सोइल, ये ध्यान रखना। रिले क्रॉपिंग, जैसे रिले क्रॉपिंग क्या है, 4x100 की एक दौड़ होती है, चार आपके धावक होते हैं लगातार जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है आपकी, ठीक है। एग्रोनॉमी और आपके हॉर्टिकल्चर में ट्रिक काम नहीं करती है, एग्जाम हॉल में जाते ही ट्रिक क्या हो जाती है, सिर से निकल करके टेबल के नीचे गिर जाती है, उठाते उठाते अपना क्या है समय पूरा हो लेगा आपके, ये ध्यान रखना। हॉर्टिकल्चर में उनमें ट्रिक काम नहीं करती, जहां काम आती है वहां पर बताया जाता है। आ जाओ आगे, अब यहां देखो रिले क्रॉपिंग, यानी कि एक मुख्य फसल की हार्वेस्टिंग से पहले दूसरी क्रॉप को बो दिया जाना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे आपके नारियल है, केला है, उसमें काली मिर्च वगैरह करना, आपके विशेष रूप से दक्षिण भारत में हम करते हैं, मल्टी क्रॉप बोलते हैं इसको, आपके हाइट के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एली क्रॉपिंग आपका बिल्कुल सही है, ये रहा। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, दो या दो से ज्यादा अधिक फसलों को बोया जाना मिला करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जहां ट्रिक काम करती है वहां ट्रिक काम में आती है, जहां ट्रिक काम नहीं करती वहां पढ़ा हुआ मामला काम में आता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो इसलिए ट्रिक हर जगह काम में नहीं आती है, उनकी कुछ मर्यादा होती है, उनकी कुछ लिमिट्स होती है। तो राइट आंसर इसका क्या है, सी है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, विच न्यूट्रिएंट इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट्स की ग्रोथ के लिए ध्यान रखना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, तो नाइट्रोजन ध्यान रखना पादप में प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन प्रमुख कारण प्रोटीन के संश्लेषण में रोल निभाता है, नाइट्रोजन प्लांट में एमिनो अम्लों का निर्माण करता है, ध्यान रखना आपको क्या करता है, एमिनो अम्लों का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना। एमिनो अम्ल कौन, प्रोटीन। क्या करता है, पौधे में हरापन आपके करता है, पौधे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, ये ध्यान रखना। देखिएगा पोटास, पोटास क्या करता है, बीज की आपकी क्या बढ़ाता है, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। पोटास की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपके बढ़ती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। बोरोन, बोरोन ध्यान रखना विशेष रूप से पोलिनेशन में मदद करता है, आपके बोरोन जो है आपके ऑक्सीकरण और अपचयन में भी सहायक है, ऑक्सीकरण और अपचयन में भी सहायक है, ये ध्यान रखना। और इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से सिट्रस फ्रूट्स में हार्डनेस डेवलप होती है, क्या डेवलप होती है, हार्डनेस, ध्यान रखना। बच गया क्या, फास्फोरस, ये ध्यान रखना। फास्फोरस को पौधे नेगेटिव आयंस के रूप में ग्रहण करते हैं, नकारात्मक रूप में ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, फास्फोरस को नेगेटिव आयन के रूप में ग्रहण करती है, ये प्लांट की रूट के रूप में, प्लांट की रूट की डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे आपके जो कह दिया जाता है आपके किसको, फास्फोरस को, इसे कहा जाता है आपके की ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसे पादपों की ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। एवर कमेंट्स दिखाना है, वो थोड़ा ऊपर से आई बी रूटिंग हार्मोन थोड़ा सा, हाँ टार्जन का, सर जी आपको गुस्सा बहुत आता है ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं, अरे भाई टार्जन जी देखो टार्जन द वंडर कार, बात ऐसी है गुस्सा तो आता ही नहीं है भाई, गुस्सा क्यों आएगा, आप सब इतने प्यार से पढ़ रहे, इतने आराम आराम से जवाब दे रहे, बहुत अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं आता भाई, है ना, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल सतीश जी डी आपका राइट आंसर है। कैसे आएगा टार्जन द वंडर कार, नहीं आएगा बिल्कुल, की ऑफ लाइफ एनर्जी बिल्कुल प्लांट्स की, बिल्कुल परिजी कीर्ति का बेटा बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिएगा और सूची में नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए उत्तर का विकल्प चुनना है, ठीक है।
राम राम अमित जी, राम राम जी। यहां देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या काम करेगा, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये सीड की वाइबिलिटी, ठीक है, तो सीड की वाइबिलिटी। थायो यूरिया क्या करता है, बीज की सुसुप्त अवस्था को तोड़ेगा, ये रहा। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, आपके सीड के जर्मिनेशन को बढ़ाएगा। अब यहां आपके बच गया कौन सा, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम, ये आपके जीवन की क्षमता को, और कैल्शियम क्लोराइड आपके बीज के भंडारण में काम में आता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड बीज के भंडारण में यूज होता है, ए में डी या ए में चार लिखो क्योंकि डिजिट चार में है। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड यह है बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहलाता है सीड की वायबिलिटी का पता लगाने के लिए, और ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड यहां पर क्या है, इसका राइट आंसर तीन होता है। थायो यूरिया जो होता है आपके, इस थायो यूरिया का क्या प्रयोग किया जाता है, आपके सीड की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, विशेष रूप से आलू में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो और फिर एक, चार तीन दो एक है क्या, चार तीन दो एक, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा राइट आंसर, इसका ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ए इसका क्या है, राइट आंसर है भाई, ठीक है बेटा। अगला देखो बेटा आंसर इसका, अधोलिखित कथनों में, अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कूट के अनुसार आंसर देना है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट, ध्यान रखना। मुझे ऐसा इस बार लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आरएसएसएमबी पूछ सकती है, तो अपने आप को पहले से ही इसके लिए तैयार रखें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड्स गिवन बिलो। बूंद बूंद टप बूंद बूंद या टपका कर सिंचाई करना पानी की आवश्यकता को घटाता है, बूंद बूंद टपका कर सिंचाई करने से जल को फसल के जड़ पर बूंद बूंद डाला जाता है, क्या कह रहा है, सही उत्तर दयानगर। तो बूंद बूंद टपका कर सिंचाई करने में जल को फसल के जड़ पर बूंद बूंद रूप में डाला जाता है, बूंद बूंद टपका कर सिंचाई अनावश्यक पानी का क्षय है, बूंद बूंद टपका कर सिंचाई चावल संवर्धन के लिए अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पहले, यानी कि बूंद बूंद विधि से सिंचाई करने पर आपके पानी की आवश्यकता घटती है, बिल्कुल एकदम सही बात है। इसकी वजह से, ड्रिप इरिगेशन की वजह से प्लांट्स में आपके पानी की आवश्यकता जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि यूटिलिटी ज्यादा होती है इसकी। टपका विधि या बूंद बूंद विधि से सिंचाई करने में जल को उसके रूट पर, बिल्कुल उसकी रूट पर ही डाला जाता है, राइट है। बूंद बूंद या टपका विधि में सिंचाई अनावश्यक पानी का क्षय है, तो इसमें पानी का लॉस नहीं होता, इसमें तो पानी की बचत होती है, तो गलत बात है ये, तो क्या है, पानी की बचत होती है, ये ध्यान रखना। इसके माध्यम से क्या होती है, पानी की बचत। बूंद बूंद टपका कर सिंचाई करना चावल संवर्धन के लिए अधिक उपयोग है, तो बताइएगा राइस कल्टीवेशन में आपके ये काम में नहीं आएगी, राइस कल्टीवेशन में तो फ्लड इरिगेशन आपके काम में आती है, राइस कल्टीवेशन में। तो देखो एक और दो सही है, बाकी का मामला गड़बड़ है, ये रहा पहले ही ऑप्शन में, एक और दो आर सही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, बिल्कुल जगदीश जी, रिया जी बेटा, वेजिटेबल्स में भी यूज होता है ड्रिप इरिगेशन, और ड्रिप इरिगेशन आपके किस में यूज होता है, हॉर्टिकल्चर में, और ड्रिप इरिगेशन आजकल कपास में, आपके लाइनिंग वाली क्रॉप्स में भी इस्तेमाल होती है, ये ध्यान रखना। ड्रिप इरिगेशन का जो प्रेशर होता है 1.5 से लेकर के 2.5 किलोग्राम घन सेंट, आपका जिसको कहें वर्ग सेंटीमीटर होता है, और अगर हम बात करें ड्रिप इरिगेशन की, जल बचत 50-70% जल बचत होती है, और यहाँ पर वाटर यूज एफिशिएंसी 90-95% मैक्सिमम होती है। CUET 2023 का पेपर कहाँ मिलेगा, इसकी samarth.gov.in साइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, किसान मेले में, बिल्कुल भाई, किसान मेले में इसका सैंपल रखा हुआ था, ठीक है, ए राइट आंसर है। एंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, एंथेसिस इज ए फिनोमेना विच ओक्यूर, एंथेसिस क्या होता है, एक फिनोमेना है एंथेसिस, ये बताना है। जब पहली बार फूल खिलता है, परागण के बाद की प्रक्रिया, देखिएगा पोलिनेशन के बाद की प्रक्रिया में नहीं आता है, ठीक है, तो यह आपका नहीं होगा। जब फूल में परागकोष बनता है, जब मृदा में कम नमी के कारण फल गिरता है,
तो यहां पर जब पहली बार फूल खिलता है व्हेन द फ्लावर ऑफ ओपन इन फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग होती है उसे एंथेसिस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना आपको। बिल्कुल सागर जी, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल रिया जी बेटा सही है, काजल एकदम सही है, चौधरी जी बिल्कुल ए आंसर सही है, अश्विनी जी, सतीश जी बिल्कुल बेटा राइट आंसर है आपका। अगला देखो, किस हैरो को बखार भी कहा जाता है? क्या शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। देखिए, डिस्क हैरो, स्पाइक टूथ हैरो, स्प्रिंग टूथ हैरो या ब्लेड हैरो, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि बखार जो होता है इस बखार को क्या कहा जाता है। आप बिल्कुल टार्जन द वंडर कार, बिल्कुल एंथेसिस सही है, बैंगनी क्रांति, डॉक्टर राजेंद्र जी कह रहे सर पहली बार सुना, डॉक्टर जी राजेंद्र जी बैंगनी क्रांति लेवेंडर से संबंध है, अपने ऑफलाइन क्लास में अपन ने बात की थी। देखो नेपाल सिंह जी ने सही आंसर दे दिया है, यानी कि सबका डीडी आंसर आ रहा है, इसका मतलब पढ़ने वाले हो सारे, बहुत बढ़िया भाई शाबाश। ध्यान रखना ब्लेड हैरो, इसको क्या कहते हैं? बखार। एक और चीज, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग मूंगफली की खुदाई के लिए किया जाता है, जैसे भाई हमारे जयपुर साइड में उसको कहते हैं मूंगफली में पत्ती लगाना, तो मूंगफली में जो पत्ती लगाई जाती है नीचे जमीन में, उसे ही ब्लेड हैरो के नाम से कहा जाता है। इस प्रकार की होती है आपके, जिसको कह सकते हैं नीचे की तरफ एक ब्लेड सी लगी होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आदमी एक यहाँ पर बैठा होता है, एक यहाँ पर चक्री लगी होती है, ठीक है, इसके माध्यम से आपके मूंगफली के नीचे की रूट्स काटी जाती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अलग अलग में अलग अलग कह सकते हैं, पास देखिएगा अलग जगह, हमारे यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पर उसको ब्लेड कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, पत्ती निकालना, बिल्कुल सही है इंदु जी, राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल कृष्ण जी, बिल्कुल बोलते हैं, आपके बोलते होंगे फास, आप जिस जिले से होंगे वहां उसकी लोकल लैंग्वेज में उसे अलग नाम से जाना जाता होगा, राइट आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में किस सब्जी में फसल में प्रातःकालीन समय में पूर्ण रूप से फूल खिलते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स एंथेसिस टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग आवर्स? तो मॉर्निंग के समय में आपको ये बताना है कि आपके जिसको कह सकते हैं फूल किस में ओपन होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। रॉयल विजिट कैसे जल्दी करो, बिल्कुल जल्दी जल्दी करवा रहे हैं भाई। रिज गार्ड, देखिएगा रिज गार्ड आपके ये क्या होता है? धारीधार जिसको कह सकते हैं लूफा एक्यूटेंगला, इसे क्या कहा जाता है? लूफा एक्यूटेंगला। चिकनी तुरई इसे कहते हैं लूफा सिलेंड्रिका। करेला बटर गार्ड और कद्दू पंपकिन, इनमें से बताना है किसमें आपके मॉर्निंग के समय में फ्लावरिंग एंथेसिस होती है, एंथेसिस होती है। तो देखिएगा धारीधार तुरई में तो नहीं होती, करेले में नहीं होती, कद्दू में नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको। किस में होती है? ये होती है आपके नीरू जी, बिल्कुल बेटा राइट आंसर दिया है आपने। लखन जी डी में नहीं होती, मनोहर सिंह जी डी में नहीं, किस में होती है? बिल्कुल आपका सही जवाब है चिकनी तुरई, स्पंज गार्ड में आपके होती है। इसका बोटनिकल नाम जो होता है आपका क्या होता है? तो इसका बोटनिकल जो नाम होता है वो लूफा सिलेंड्रिका होता है, ये ध्यान रखना, सिलेंड्रिका इसका बोटनिकल नाम होता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका दिया है बी, इसका सही आंसर है। घनक्रेक लोगों का मामला सलट लिया था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर बी, ये कद्दू है ना कि क्या है, घिया नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल, फसल पर लगाए गए फसल के क्षेत्र और पानी की मात्रा के बीच में अनुपात को क्या कहा जाता है? द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड क्रॉप टर्म्ड। तो ड्यूटी डेल्टा या बेस पीरियड या इरिगेशन क्विटेंट। तो बेस इरिगेशन जो होता है फर्स्ट से लेकर के लास्ट के बीच का जो समय होता है, ये पूरी जो अवेलेबल जो समय होता है उसको कहते हैं आपके
बेस पीरियड, ड्यूटी जो आपके इरिगेशन की जाती है वो ड्यूटी है, और डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है डेप्थ। तो यहां ध्यान रखना फसल पर लगाए गए फसल क्षेत्र और पानी की मात्रा के बीच का जो संबंध है उसे हम क्या कह देते हैं, डेल्टा कह देते हैं। ध्यान रखना डेल्टा का डायरेक्टली अर्थ जो निकाला जाता है वो डेप्थ से निकाला जाता है, गहराई से, ये ध्यान रखना, ठीक है। डेप्थ ऑफ इरिगेशन इसे कहते हैं, डेप्थ ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन डेप्थ लिख लो चाहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ इरिगेशन का मतलब होता है डेल्टा। और यहां क्या पूछा है इसने, फसल पर लगाए गए फसल के क्षेत्र और पानी की मात्रा के बीच, कितना पानी आपने फसल में लगाया, तो फसल में जो पानी लगाया उसको डेप्थ से मापते हैं। टेक्नोलॉजी कह रही है सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 2005 है, तो क्या आप सुपरवाइजर के फॉर्म में एलिजिबल होंगा? तो ध्यान रखना बेटा, सुपरवाइजर के लिए ऐसा है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा बेटा एग्जैक्टली। तो नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, आरएसएसएन में भी भर्ती आपकी गई हुई है, तो कभी भी आपके वो मामला आपके क्लियर हो सकता है। तो जैसे ही वो होगा तब पता लगेगा, बाकी जहाँ तक है एक एक, जैसे अभी आरएएस का जो नोटिफिकेशन निकला उसमें एक एक 2024 मांगी थी कि जिसकी एक एक 2024 को डेट ऑफ बर्थ कितनी हो जाए, मिनिमम 21 साल हो जाए, ठीक है, तो वो उसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आज आपकी वैकेंसी निकलती है तो आपके कोर इरीगेशन, कोरपाण होती है ना, कोरपाण, अगर आपकी जैसे आज वैकेंसी निकल जाए तो एक एक 2024 ही होगी, और जहाँ तक मुझे लगता है एक एक 2024 हो सकती है, लेकिन दो साल का गैप हो गया, ठीक है, ठीक है, दो साल का गैप हो गया। तो जब दो साल का गैप हो गया तो आपके हो सकता है क्या है, आपके क्यूसर का जो एज आपके क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाए, ठीक है। हाँ ज्योति जी कह रहे हैं कि सर डेल्टा कैसे होगा? बेटा डेल्टा ऐसा होगा, फसल पर लगाए गए फसल के क्षेत्रफल, आपका फसल का जो क्षेत्रफल है एरिया कितना है, और आपने इसमें कितना पानी दिया, जो पानी दिया जाता है वो बेटा डेप्थ में मापा जाता है, एक एमएम, एक सेंटीमीटर, एक एमएम, उसमें मापा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ड्यूटी का मतलब होता है जितना पानी दिया जाता है, ठीक है, ड्यूटी का मतलब होता है जितना पानी दिया जाता है उसको ड्यूटी कहते हैं। डेल्टा का सीधा सा अर्थ होता है कितना पानी डेप्थ में दिया, तो फसल का एरिया कितना है, आपने पानी कितना दिया, तो कितनी डेप्थ तक इरीगेशन हुई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, डेल्टा यहां पर। तो बी राइट आंसर है। बेस पीरियड फर्स्ट इरिगेशन और लास्ट इरिगेशन के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है, बेस इरिगेशन कहलाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, एनपी सवाई माधुपुर से पूछ रहे बेटा ये लक्ष्मण सर जी की क्लास होती है जस्ट मेरे से पहले, एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपर्ट जो आपके डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित सर है वो देंगे आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला देखो, कोटा वजही निम्नलिखित में से किस फल का देहिक विकार है? कोटा वजही इज द मेन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, केला, पपीता, अमित, आपके अमरूद या सेब, आपको ये बताना है इसका। तो बताइएगा आपके इस क्रॉप में आपको बताना है कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है आपका किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोटा वजही ये नाम उसका कह सकते हैं, कौन सी क्रॉप में देखने को मिला, देखिएगा पपीता में आपने कभी देखा नहीं होगा, पपीता में हम क्या देख सकते हैं, पपीता में जैसे एंथ्रोक्नोज, ठीक है, एंथ्रोक्नोज जरूर देखा जाता है पपीते में, अमरूद में जैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम विल्ट का सुनते हैं, सेबल, सेब में अपन ने कभी सुना नहीं, ये ध्यान रखना। तो ये केला में होने वाला क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कोटा वजही, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, नीरवेजई या कोटा वेजई, बिल्कुल ठीक है, नीरवेजई कोटा वेजई, बिल्कुल आपका सही है वीरेंद्र, आपका बिजानिया जी। इसमें एक भयंकर बीमारी जो आपको पता होगा, बंची टॉप, ध्यान रखना, बंची टॉप जो कि वायरस के द्वारा होती है, और इससे मुक्त पौधे जो प्राप्त किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं, मेरी स्टेम कल्चर के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, मेरी स्टेम के माध्यम से, तो ए इसका सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रूप वर्षा का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉर्म ऑफ
प्रिसिपिटेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु से संबंधित, मौसम और जलवायु का एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको बताना है। ओलावृष्टि, हिमपात, पाला या तुषार, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक जिसको कह सकते हैं आपका इसका प्रकार नहीं है, ये बताना है। बंचिटो बिल्कुल आपके वायरस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इनमें से बताना है कौन सा आपका क्या है, प्रिसिपिटेशन नहीं है, वर्षण, ध्यान रखना। वर्षण का मतलब होता है पानी का तरल या सॉलिड कोई भी रूप जो होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्षण। ओलावृष्टि इसका क्या है, सॉलिड रूप है। स्नो, हिमपात, धीरे धीरे आपका गिरता है। पाला और तुषार, यहां पर ध्यान रखना पाला फ्रोस्ट जो होता है, फ्रोस्ट, पाला गिरना, पाले में क्या होता है तापमान कम होता है, ध्यान रखना पाले में तापमान कम होता है और आपके जो पानी उपस्थित होता है वो किस में जम जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बर्फ में, ये ध्यान रखना। तो पाले में क्या होता है, जो पानी होता है प्लांट की सेल में जो उपस्थित क्या होता है, आपके जीव द्रव्य जो होता है प्लांट की सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, जम जाता है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है और प्लांट की सेल में क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो प्लांट की सेल में ब्लास्ट होना आपके किसकी वजह से, पाले की वजह से। तो ये पाला जो होता है आपके किस में नहीं आता, आपके प्रिसिपिटेशन में, ध्यान रखना। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित जल किसी भी प्रकार से अगर किस में गिर जाए, लिक्विड रूप में या सॉलिड रूप में, तो आपके उसे क्या कह देते हैं हम, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये ध्यान रखना आपके इसका राइट आंसर पाला सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, नई पत्तियों का अंतःशिरा क्लोरोसिस और पूरी पत्तियों का पीलापन तथा बाद में सफेद होना किसकी कमी का लक्षण है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो वेटनरी का भाई, आपके पास UPSCAT के लिए कोई कोर्स है क्या बेटा? देखो UPSCAT के लिए भाई जब वैकेंसी आएगी तो जरूर उस समय अपन चर्चा करेंगे, ठीक है सतीश जी। तो इंटरवेनियल क्लोरोसिस, तो देखिएगा इंटरवेनियल क्लोरोसिस आपके किस में, मैग्नीशियम में देखने को मिलता है। फिर क्या कह रहा है, इसके अलावा फेरस में भी इंटरवेनियल क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है पूरी पत्ती में पीलापन, ध्यान रखना पीलापन जो होता है शुरुआत में पीलापन होता है और पीलेपन के बाद में किस में बदल जाती है, सफेद में। यह प्रमुख लक्षण फेरस का होता है। पीलापन तो जिंक में भी होता है, लेकिन जिंक में क्या होता है, धब्बे, स्पॉट्स बनते हैं। जिंक एंड फेरस मेजरली डिफरेंस बिटवीन, पाया जाने वाला इसका जो लीप स्पॉट जो होता है धब्बा पत्ती में होता है, वो आपके किसको जो देखने को पता है मिलता है, जिसको कह सकते हैं आपके अंतर, ये ध्यान रखना। फेरस, नाइट्रोजन, पोटाश और कैल्शियम, तो ये ध्यान रखना फेरस की वजह से आपके क्या होता है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इंटरवेनियल क्लोरोसिस इसकी वजह से, और इस बार एक पूछा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वजह से भी इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। कार्तिक जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना कार्तिक बेटा, एनिमल हस्बेंड्री वाले सर जो आपके जुड़ते हैं लक्ष्मण सर जी, वो बता पाएंगे उसके बारे में, ठीक है, कि उसमें कितने परसेंट है, क्या है उसका। तो फेरस इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खरपतवार को फील्ड वाइड वीड नाम दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज नेम्ड ऑफ फील्ड बीन वीड, ये ध्यान रखना। केलेटोट्रोपिस जिजेंटिया, जो आपके केलेटोट्रोपिस जिजेंटिया जो आपने देखा होगा आंकड़ा जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आंकड़ा कहते हैं इसे, या आक कह देते हैं। साइनोडोन डेक्टाइलोन या कॉनवोलवुलस आर्वेंसिस या एल्यूसिन इंडिका, इनमें से आपको बताना है कि किसे हम फील्ड वाइड वीड के नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। उपनाम है ये, ध्यान रखना। तो केलेटोट्रोपिस जिजेंटिया तो क्या है, ये तो आक है। साइनोडोन डेक्टाइलोन आप दूब घास, कॉनवोलवुलस आर्वेंसिस को हम क्या कह देते हैं, फील्ड बाइंड वीड के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, कॉनवोलवुलस आर्वेंसिस जो आपके हिरण खुरी वगैरह, जो आपके कर्षण नील जो है वो, ये ध्यान रखना है आपको।
बिल्कुल ठीक है, आपका सी राइट आंसर है। तो एल्यूशिना नहीं है आपके यहाँ पर, सी सही है आपके, जिसको कह सकते हैं। तो कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस, इसे फील्ड बाइंड बीड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म का विकास प्रतिरूप चयन से नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज नॉट डेवलप्ड थ्रू क्लोनल सिलेक्शन? आलू की कुफरी रेड, आम की नीलम, या केले की बॉम्बे ग्रीन, या चावल की IR8? आपको बताना है, ये ध्यान रखना, IR8, ठीक है, ये आपको बताना है। एनागेलिस आर्वेंसिस, कर्सन नील एनागेलिस आर्वेंसिस, वो वहां पर कॉनवोल्वुलस हिरण खुरी, जो आपके उसका आपत्तिजनक वीडियो था, किसका आपके जिसको कह सकते हैं। तो यहां पर बताना, सिलेक्शन से जो उसका क्लोन है उससे सेलेक्ट नहीं हुई, कुफरी रेड, नीलम, बॉम्बे ग्रीन और IR8। तो यहां पर IR8 जो वैरायटी है, जिसे हम मिरेकल राइस वैरायटी बोलते हैं, मिरेकल राइस वैरायटी जिसे कहा जाता है, तो चयन से सिलेक्शन नहीं हुआ किसका, IR8 का। बाकी सारी की सारी क्या है, क्लोनल वैरायटी है, ये ध्यान रखना, चयन से विकसित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सबसे छोटा भाग जिसको मर्दा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है कहलाता है? साइंटिफिकली अध्ययन करने के लिए सोइल का सबसे छोटा भाग कौन सा है आपके, ये देखना है। बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र, विश्व की जादुई किस्म, बिल्कुल सही है। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ए सोइल इज कॉल्ड पैड, पैडोन, मिट्टी श्रृंखला, सोइल आपके सोइल कैटिना या सोइल प्रोफाइल। तो आपके सोइल का सबसे छोटा पार्टिकल जिसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल काजल जी, ज्योति जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। IR8 भारत की नहीं है, वर्ल्ड की है, भारत की, तो आपके जिसको कह सकते हैं जया, भारत की जया है भाई। देखिएगा कि कोई विद्यार्थी जो IR8 को भारत की बता रहा है, ये भारत की नहीं है, विश्व की जादुई किस्म है, ध्यान, विश्व की जादुई किस्म है IR8, हमारे भारत की जो है वो जया है, ठीक है, भारत की जादुई किस्म कौन सी है, जया। यहाँ पर ध्यान रखना, जो पैडोन जो शब्द होता है वो आपके सोइल का सबसे शॉर्टेस्ट जिसको कह सकते हैं रूप, जहां साइंटिफिकली अध्ययन किया जाता है। क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करने से नहीं रोके, और जिन्होंने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक भी शेयर नहीं किया, क्लास आपके यूट्यूब चैनल को शेयर करें, और अपने जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से, विशेष रूप से आपके चलने वाली 20 अक्टूबर तक की जो अर्जुन सीरीज है, उस सीरीज की क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार के प्रति जो ये प्यार और स्नेह है, उसके लिए आप सभी का आभार है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।